वीर विक्रम बजरंगी। कोई फायदा नहीं है लड़की, तैयार हो जा। वैसे आज तेरा हनुमान आएगा तो उसे भी पता चल जाएगा कि साधु को किसी का डर नहीं, भगवान का भी नहीं। किसकी मौत कब, कहां और कैसे लिखी है? महाकाल के सिवाय कोई नहीं जानता साधु पहलवान। पुरुषोत्तम का सेवक मारुति। ससुरा, हमको हंसी भी आ रही है और गुस्सा भी। जिस साधु का नाम सुनकर सौ सौ कोस दूर तक बच्चे चड्डी गीली कर देते हैं, वो यहां तुम दोनों के बीच खड़ा होकर गंभीर विचार विमर्श कर रहा है। नाम साधु और काम असुरों वाले। छोटे चुप हो जा, एकदम चुप। अंगरक्षक बनता है, भाषण देता है, जो भी है तेरी बहादुरी की दाद देनी पड़ेगी। तुझ में कोई ना कोई बात तो है। चल बता, कैसे मरना है तुझको? रामेश्वरी, तुम बाहर जाकर प्रतीक्षा करो। कुछ समझना है तो हनुमान जी का जाप कर लेना। हाँ तो मरने के बारे में क्या सोचा है? सबसे पहले तुम मुझे हाथ लगा कर दिखाओ, फिर देखते तुम्हें मारना कैसे है। कसम पैदा करने वाले की लौंडे, तेरी मौत के बाद तेरी चमड़ी का जूता बनाकर पहनेंगे हम। रोक! अरे,
इधर इधर। अच्छा चल मुझे छोड़ दे, ये बॉल पकड़ के दिखा, पकड़ेगा ना? आजा पकड़, आना, आजा आजा पकड़। भगवान का डर है। जैसा था, फिर ये हुआ कैसे? माई, मैं तो कहता हूँ अभी भी वक्त बचा है, अपने गांव वापस लौट चलते हैं। चुप रहे बावला, तुझे क्या लगता है अमृत होटो पे आने के बाद मैं उसे भूल जाऊं? ये मुमकिन नहीं। वो लड़का मारुति है ना, होना हो सब उसी का किया धरा है। अगर वो मेरे सामने आ गया ना, तो मैं उसे आगे भी तो बोलो क्या करोगी? क्या नहीं करूंगी उस बंदर का ये पूछ। अगर वो सामने आ गया ना, तो मैं उसे जय श्री राम। उस छिपकली का हनुमान और इसका जय श्री राम। बहुत हो चुका, बहुत हो चुका। आई। तुम सुपंडी, आंखें होने के बाद भी अंधे बने बैठे हो? याद रखना, गलत संगत का परिणाम गलत ही होता है। अगर अभी भी बात समझे नहीं, तो कभी समझने का मौका नहीं दूंगा। जय श्री राम। चलो अच्छा हुआ, ये पागल बुढ़िया तो मर गई। मरे मेरे दुश्मन। अभी तो आखिरी और अहम लड़ाई बाकी है। मैं तुम्हारे पास लड़ने के लिए अभी कुछ सही सलामत बचा है? बचा है कौन? बक्शु।
पर हमारे लिए एक मुसीबत है। हाँ पता है, उसको बुलाना। तो फिर उसको वापस भेजना। भक्षु जी, भक्षु हमें ढूंढता है, हम भक्षु को नहीं। अब देखना इसका अंजाम। Mm-hmm.